Hello student, welcome to St. Joseph online classes. Today I am going to start lesson number 2, that is helpful friend. Helpful friend मतलब क्या होता है? Helpful मतलब मालूम है आप लोगों को क्या होता है? Helpful मतलब एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे का सहायता करना, हेल्पफुल फ्रेंड. तो इस लेसन में जो ऐसे जो वर्ड ऐसे आएंगे जैसे कि आपको लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, वो वर्ड मैंने आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है और उसका हिंदी मीनिंग भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोगों को जब वो मीनिंग समझ जाओ तो आपको लेसन समझने में ईजी होगा. तो पहला वर्ड क्या है? फॉरगेट. फॉरगेट मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को? फॉरगेट मतलब भूल जाना, कोई भी चीज़ भूल जाना. दूसरा है ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट का मतलब मालूम है आप लोगों को? सुबह का नाश्ता, जो हम सुबह उठ के ब्रश रश करके जो खाना खा जो करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं. फिर तीसरा है रीच. रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना, किसी भी जगह पे पहुंचना. फिर ग्रीट. ग्रीट मतलब क्या करते हैं? स्वागत करना, किसी को वेलकम करना. देन शेयर. शेयर मतलब क्या होता है? बांटना, अपना चीज़ दूसरों से शेयर करना, अपना चीज़ दूसरों को देना. देन इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है? बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही फन वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जो, उसको दिलचस्प बोलते हैं. फैक्ट. फैक्ट मतलब क्या होता है? सच्चाई, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में जानना, फैक्ट. देन इंजॉयड. इंजॉयड मतलब क्या होता है? मस्ती करना, खूब इंजॉय करना. तो लेट अस स्टार्ट द लेसन. लेसन जो है अब मैं आपको रीड करके बताती हूँ और उसको हिंदी में आपको समझाती हूँ कि उसका मीनिंग क्या होता है. तो लेसन नंबर 2, हेल्पफुल फ्रेंड्स. Molly and David are going to school. They have bag on their bags. Molly has a water bottle, but David forget to take his water bottle. तो इसमें दो फ्रेंड हैं जिसका एक का नाम है Molly और दूसरा का नाम है David. वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और दोनों के पीछे बैग लटका होता है. जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपके पीछे भी बैग रहता है ना, तो उन दोनों के पास भी बैग था और वो लोग स्कूल के लिए जा रहे थे. तो Molly has a water bottle. Molly के पास water bottle था लेकिन David जो था वो अपना water bottle लाना आज भूल गया था. Molly, do you have water, your water bottle? तो Molly ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारा water bottle है? David, oh, I forget today. तो David ने क्या बोला? Oh, मैं तो आज लाना ही भूल गया. Molly, don't worry, you can use mine. तो Molly ने क्या बोला? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम मेरा पानी पी सकते हो, तुम मेरे बॉटल से पानी पी सकते हो. David, did you have your breakfast? तो डेविड ने मॉली से पूछा, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्या तुमने सुबह का नाश्ता किया? मॉली, यस आई हैड. डेविड, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? तो डेविड ने उसने पूछा मॉली से कि तुमने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया? मॉली, आई हैड ए सैंडविच एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क. व्हाट डिड यू हैव? तो मॉली ने क्या जवाब दिया? मैंने सुबह एक सैंडविच खाया और एक ग्लास दूध पिया. तुमने क्या खाया? तुम भी बताओ कि तुमने क्या खाया, उसने डेविड से पूछा. डेविड, आई हैड एन एग एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क. तो उसने क्या बोला डेविड ने? मैंने एक अंडा खाया और एक ग्लास दूध पी के आया. मॉली एंड डेविड रीच स्कूल. मॉली और डेविड जो है स्कूल पहुंच गए. अब द बेल रिंग्स एंड द चिल्ड्रेन रन टू देयर क्लास. तो उसके स्कूल पहुँचते ही बेल बज गई और सारे बच्चे जो थे वो दौड़ के अपने अपने क्लास में जाके बैठ गए. द टीचर कम्स इन द क्लास. ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड अप इन देयर प्लेस टू ग्रीट हर. तो जैसे क्लास में बच्चे बैठे तभी उनकी टीचर भी एंटर हुई क्लास में और सारे बच्चे जो हैं खड़े होके उनको ग्रीट मतलब वेलकम किया, उनको अंदर वेलकम करके उनको विश किया गुड मॉर्निंग. जैसे आप लोग बोलते हो ना, जैसे कोई टीचर आता है तो आप लोग भी खड़े होके गुड मॉर्निंग टीचर ऐसे बोलते हैं ना, तो उन्होंने उनके क्लास में भी सारे बच्चे खड़े होके टीचर्स को ग्रीट किया. उन्होंने टीचर्स, चिल्ड्रेन डू यू ऑल हैव योर नोटबुक्स? तो टीचर ने सारे बच्चों से पूछा. चिल्ड्रेन, क्या तुम सबके पास अपना अपना नोटबुक है? चिल्ड्रेन, यस टीचर. तो चिल्ड्रेन ने क्या बोला? यस टीचर, हमारे सबके पास अपनी अपनी नोटबुक है. टीचर, टेक योर नोटबुक पेंसिल एंड इरेजर. तो टीचर ने क्या बोला? सभी अपनी अपनी नोटबुक निकालो, पेंसिल एंड इरेजर. इरेजर किसको बोलते हैं? रबर, जिससे हम मिटाते, कोई गलत हो जाता है तो हम उसको मिटाते हैं ना, तो उस चीज़ को इरेजर बोलते हैं. मॉली, टू डेविड, डू यू हैव एन इरेजर? तो उस दिन क्या हुआ, मॉली जो थी उसके पास इरेजर नहीं था, तो उसने डेविड से पूछा, डू यू हैव एन इरेजर? क्या तुम्हारे पास एक इरेजर है? डेविड, यस आई हैव. डेविड ने क्या बोला? यस, मेरे पास है. मॉली, वुड यू लाइक टू शेयर इट विथ मी? आई हैव लॉस्ट माइन. तो
मौली ने क्या बोला, क्या तुम अपना इरेजर थोड़ी देर के लिए मुझे दोगे, क्योंकि मेरा जो इरेजर था वो कहीं खो गया। लॉस्ट मतलब क्या होता है, खो जाना, कहीं गुम हो जाना। तो मौली ने क्या बोला कि मेरा इरेजर कहीं गुम हो गया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना इरेजर मुझे दोगे। डेविड, यस श्योर। तो डेविड ने क्या बोला, यस श्योर दूंगा मैं, क्यों नहीं दूंगा। तो उन्होंने डेविड ने क्या किया, अपना इरेजर जो है उसको मौली को दिया। मौली एंड डेविड नोट डाउन द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रिच बर्ड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो मौली और डेविड जो था वो ब्लैक बोर्ड से उन्होंने क्या नोट किया, ऑस्ट्रिच के बारे में। आज उनके टीचर जो है उनको ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में बता रही थी, इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब वो बर्ड क्या है, कैसा है, उसकी क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो सब उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में, जिसको ब्लैक बोर्ड से देख के मौली और डेविड ने अपने नोटबुक में उसको कॉपी किया था। दे हैड फन लर्निंग इन द स्कूल। उनको स्कूल में पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा फन आया, बहुत ही मज़ा आया वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑस्ट्रिच के बारे में जानकर। बोथ फ्रेंड्स हैड एन्जॉयड देयर डे। तो दोनों जो फ्रेंड्स थे उन्होंने खूब एन्जॉय किया डे को, बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करके उन्होंने लेसन को कंप्लीट किया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनको ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में जान के लगा। आप लोगों को पता है ऑस्ट्रिच बर्ड कैसा होता है, क्या आपको पता है ऑस्ट्रिच बर्ड के बारे में कुछ भी? ऑस्ट्रिच बर्ड जो होता है वो हाइट में काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन वो बर्ड है बट वो फ्लाई नहीं कर सकता, वो उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रिच जो है उड़ नहीं सकता, वो बस थोड़े दूर के लिए एक मतलब जंप कर सकता, उतना ही ज़्यादा वो उड़ सकता, उससे ज़्यादा हाई, जैसे नॉर्मली बर्ड्स जो है हाई स्काई में बहुत ही ऊपर ऊपर उड़ के जाते हैं ना, लेकिन ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं पाते हैं। तो ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के मौली और डेविड को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो इस लेसन में नॉर्मली क्या है, हेल्पफुल फ्रेंड दिया, मतलब हमको अपने फ्रेंड्स को हमेशा हेल्प करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग स्कूल जाते हो, आपके फ्रेंड्स कोई कुछ लाना भूल जाता है, तो हमारे आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि अगर कोई चीज़, कोई पेंसिल लाना भूल गया है, सपोज़ आपके पास अगर दो पेंसिल है, तो आप उनको एक ऑफ़र कर सकते हो कि यू कैन टेक माइन। तो अगर इसी तरह कोई अगर इरेजर लाना भूल जाता है, कोई कुछ लाना, कलर बॉक्स लाना भूल जाता है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करो, उनको वो ज़रूरत का सामान दो। शेयरिंग में मैन परफेक्ट, हमको शेयरिंग सीखना चाहिए स्कूल लाइफ में या कहीं भी हो, हम शेयरिंग हमको करनी चाहिए। अगर हमारे पास वो चीज़ है तो हम दूसरों को दे के उसको हेल्प कर सकते हैं, ताकि उसको वो चीज़ की कमी महसूस ना हो। आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आया है। ये हिंदी वर्ड जो मैंने आपको लोगों को यहाँ लिख के दिया है, इसको समझ जाओगे तो लेसन रीड करने में आपको बहुत ही ईजी होगा। और वन मोर पॉइंट कि आप लोग रीडिंग का हैबिट डालो घर पे। अभी घर पे बहुत सारा टाइम मिलता है आप लोगों को, स्कूल आना नहीं पड़ता है, घर पे टाइम है, तो बुक निकल के, अभी मोस्ट ऑफ द बच्चों को बुक मिल गया होगा, बुक घर पे है, तो जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा खेल कूद करके, खेलो कूदो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है, तो थोड़ी सी बुक निकाल के रीडिंग का प्रैक्टिस करो। रीडिंग आ जाएगा तो कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बार दिन में एक बार बुक खोल के लेसन को रीड करो। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मैं आपको अगले लेसन को एक्सप्लेन करूँगी। बाकी लेसन नंबर वन जो आपको समझाया गया था, उसका होमवर्क आपको जल्दी ही मिल जाएगा आपके ग्रुप में। थैंक यू।